कभी सुना है कि कोई भूत किसी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करा सकता है? सुनने में तो बहुत अटपटा सा लग रहा है, लेकिन एक ऐसा ही मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया जिसे सुनकर उन्हें भी भरोसा नहीं हुआ कि कैसे कोई भूत FIR करा सकता है। मृतक व्यक्ति के नाम से सन 2014 में एक जमीन के विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया और वही विवेचक ने भी बयान दर्ज कर लिया और चार्जशीट भी लगा दी। दरअसल मामला कुशीनगर का है। यहाँ साल 2014 में एक जमीन के मामले में मृत व्यक्ति ने एक परिवार के 5 लोगों पर FIR करा और मामले में विवेचना कर रहे विवेचक ने बयान दर्ज कर चार्जशीट दाखिल कर दी। उसके बाद मामला ट्रायल कोर्ट में आया तो कोर्ट ने इसका संज्ञान भी ले लिया। फिर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट आया तो कोर्ट ने मामला सुनते ही रद्द कर दिया और SP को जांच करने के आदेश देते हुए कहा कि कैसे कोई भूत निर्दोषों को फंसा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब मुकदमे की फाइल खुली तो खुलासा हुआ। गौरतलब है कि कुशीनगर आटा थाना इलाके के रहने वाले आरोपी पुरुषोत्तम सिंह और उनके 2 भाई और 2 बेटों ने पुलिस की तरफ से दाखिल आरोप पत्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर न्यायमूर्ति सौरभ श्याम समजेरी की अदालत ने जानकारी दी कि 2014 में पुरुषोत्तम व अन्य के खिलाफ शब्द प्रकाश के एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी और कोर्ट रचना की FIR दर्ज कराई, जबकि शब्द प्रकाश की मौत 2011 में हो चुकी। याचिका के अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने दलील दी है कि मृतक शब्द प्रकाश ने आरोपियों का पुराना जमीन विवाद चला रहा है और वादी शब्द प्रकाश के मरने के बावजूद भी मामले के विवेचक ने उसका बयान दर्ज करके सबके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया। अधिवक्ता ने मृतक शब्द प्रकाश की पत्नी ममता द्वारा दिए गए मृत्यु प्रमाण पत्र को भी शामिल किया। वहीं कोर्ट भी इस मामले को सुनकर हैरान हो गया और सवाल किया कि जब वादी शब्द प्रकाश की मौत 2011 में हो गई थी तो 2014 में क्या भूत ने FIR कराई और क्या विवेचन ने भूत का बयान दर्ज करके आरोप पत्र दाखिल किया है? और 2023 में भूत ने ही याचिका का विरोध करने के लिए हाई कोर्ट में दाखिल किए गए 2023 में भूत ने ही याचिका का विरोध करने के लिए हाई कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे पर अपने दस्तखत भी कर दिए। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी पुरुषोत्तम सिंह और उसके परिजनों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र को रद्द कर दिया है और SP कुशीनगर को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए और कहा है कि पता करें कि कैसे एक भूत बेगुनाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा कर परेशान कर रहा है और SP से ये भी जानकारी करने के लिए कहा कि ये भी पता लगाएं कि विवेचक भूत का बयान कैसे दर्ज कर चुके हैं। इस मामले में कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को इस आदेश की प्रति भेजते हुए मृतक वादी शब्द प्रकाश के नाम से वकालतनामा दाखिल करने वाले अधिवक्ता को भी भविष्य में सतर्क रहने की सलाह देने को कहा। UP तक के लिए प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।